नमस्कार, इनफिल्स टू बॉलीवुड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश। दोस्तों, इंतजार हुआ खत्म, आ गया लक्ष्मी बॉम्ब का ऑफिशियल ट्रेलर। क्या आपने देखा? अगर आपने देखा तो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है, आप लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर अभी तक देख चुके होंगे। अगर आपने देख लिया तो आपको क्या लगता है, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कितना धमाल मचा पाएगी, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म कितनी कमाई कर पाएगी, हिट होगी या फ्लॉप? कुछ भी कहना चाहते हैं, आपका क्या ओपिनियन इस फिल्म को लेकर के, कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें। जबकि इस फिल्म को लेकर के सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड तक काफी सारी चर्चाएं थी, फैंस इस फिल्म को लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। फिल्म का जो ट्रेलर है जिसको देखने का इंतजार फैंस को काफी बेसब्री से था, तो फाइनली अब ये आउट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है, बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म राधे का इंतजार फैंस को काफी बेसब्री से है। दोस्तों, फिल्म को लेकर के सोशल मीडिया पर काफी सारी चर्चाएं हैं और साल 2020 में ईद के मौके पर फिल्म को रिलीज होना था, लेकिन COVID-19 की वजह से फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सका। दोस्तों, जिसकी वजह से फिल्म की शूटिंग आधी अधूरी रह गई और फिल्म पर बहुत सारा काम बाकी रह गया, जिसकी वजह से फिल्म को अब साल 2021 में ईद के मौके पर रिलीज किया जाएगा, इस बात पर खुलासा किया गया है। तो दोस्तों, फिर से बात की जाए शूटिंग के बारे में। दोस्तों, जो COVID-19 की वजह से शूटिंग रुक गई थी, अब शूटिंग स्टार्ट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान ने इस बात का खुलासा किया, इस बात का रिवील किया है कि राधे की टीम, जो राधे मूवी की जो टीम है, शूटिंग की टीम, वो शूटिंग पर वापस लौट चुकी है, फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है, दुर्गावती। जी हाँ, फिल्म का टाइटल होने वाला है दुर्गावती और ये जो फिल्म है साउथ की सुपरस्टार अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी की सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी भागमती का हिंदी रीमेक है। तो ऐसे में फिल्म के बारे में बात की जाए तो फाइनली फिल्म अब पूरी तरह से बन करके रेडी है। वैसे में स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर खिलाड़ी अक्षय कुमार नजर आएंगे। अक्षय के साथ साथ बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री भूमि पेडनेकर और अरशद वारसी और भी कई मशहूर कलाकार फिल्म के अंदर नजर आने वाले हैं। दोस्तों, फिल्म की स्टोरी काफी इंटरटेनिंग होने वाली है, यानी कि हॉरर थ्रिलर एक्शन से भरपूर फिल्म की स्टोरी होने वाली है।